आ गई है असली रिपोर्ट कि किसके गाने को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। जी हाँ, खेसारी का गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के बैनर तले यानी कि खुद खेसारी के पर्सनल यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ और इस गाने ने भाई धमाल तो मचाया ही है क्योंकि इस गाने के व्यूज़ भी अच्छे खासे हैं और लाइक्स भी अच्छे खासे हैं। लेकिन खेसारी की नींद तब उड़ गई यानी कि खेसारी के फैंस की नींद तब उड़ गई जब पवन सिंह के गाने ने भी अपना दबदबा बराबर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह के गाने को अब तक 72K यानी कि 72,000 लाइक्स मिल चुके हैं 15 घंटे में, और 15 घंटे में ये गाने ने 1.1 मिलियन व्यूज़ हासिल किया है। तो भाई इस हिसाब से लाइक्स काफ़ी अच्छे आए हैं और ये लाइक्स आगे बढ़ सकते हैं, ये लाखों के ऊपर जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के भी गाने के व्यूज़ कम नहीं है, 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं 16 घंटे में, क्योंकि खेसारी ने पवन से एक घंटे पहले अपना गाना रिलीज़ किया है। पवन का गाना आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आदिशक्ति का जो भी गाना निकलता है वो मिलियन क्रॉस बड़ी आसानी से कर जाता है। उसके पीछे की वजह है कि उनके टाइटल और उनकी जो टीम है यूट्यूब के कामों को बहुत अच्छे से जानती है। खेसारी का भी गाना बहुत ही बेहतरीन है, शुरुआत ही शंखनाद से होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो ये खेसारी ने ये कह दिया है कि भोले बाबा खेले पबजी, कितने लोगों को नाराज़गी हो गई है इससे, तो खेसारी लाल यादव से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे वर्ड से बचे क्योंकि मौगी खेले पबजी तो लोग सुन सकते हैं लेकिन भोले बाबा खेले पबजी शायद लोगों को सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे। लेकिन खेसारी लाल यादव का दूसरा भी गाना आ रहा है, हो सकता है लोगों को ये पसंद आए। लेकिन यहाँ बात अगर पवन की हो रही है तो ओवरऑल गाने को बहुत पसंद किया गया है। इसके साथ भक्ति सॉन्ग के लिए पवन सबसे बेस्ट हैं शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये आप कह सकते हैं क्योंकि उनके गाए हुए गानों को लोग बहुत ही पसंद करते हैं। यहाँ खेसारी लाल यादव के बारे में बस इतना ही कहेंगे कि कुछ वर्डिंग्स की जो हेर फेर हो गई है इस वजह से गाने को ये नहीं है कि लोग पसंद नहीं कर रहे, पसंद कर रहे हैं लेकिन थोड़ा कम। यहाँ पर इस बार ये कह सकते हैं कि पवन सिंह बाजी मारते नज़र आ रहे हैं और अभी और भी कई सावन के गाने आने बाकी हैं, खुद पवन के भी और खेसारी के भी। हो सकता है कि खेसारी लाल यादव के भी गाने बहुत अच्छे हो जाएं, लेकिन फिलहाल तो पवन सिंह का पलड़ा भारी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।